₹10 मांगकर 3,10,000 रुपए बैंक से उड़ाए। देश में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही वाड़ी के एक युवती के साथ नौकरी के नाम से धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत साइबर क्राइम व वाड़ी पुलिस में धोखाधड़ी मामला दर्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंट्रोल वाड़ी निवासी कुमारी पल्लवी संजय थुल, उम्र 27, एक निजी कंपनी में कार्यरत है। ड्यूटी से अपने घर पर आने के बाद ही एक फोन आया। आरोपी कबीर चंद्रा व रमन राणा ने दिनांक 3 अप्रैल को फोन कर पल्लवी को रिज्यूम मिलने की जानकारी दी और 4 अप्रैल को इंटरव्यू मुलाकात लेने की बात की। केवल ₹10 का ट्रांजेक्शन करने को बताया। पल्लवी ने ₹10 के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हुए कुछ ही देर में पीड़िता के खाते से खाता क्रमांक 34 33 79 60 25 1 इस खाता क्रमांक से इंटरनेट के माध्यम से आरोपी ने ICICI बैंक कृष्णा नगर दिल्ली के खाता क्रमांक 10 24 10 24 0 2 4 0 1 5 0 7 1 4 9 में 2,90,000 व फिर 20,000, ऐसा कुल मिलाकर 3,10,000 रुपए के ऑनलाइन पैसे निकाले। www.montedjob.com यह साइट फिरियादी को भेज दी। फिरियादी लड़की ने साइट पर जाकर डेबिट कार्ड डिटेल्स नंबर 45911529906 3792 सर्च किया। उस पर ₹10 भेजने का प्रयास किया नहीं होने पर आरोपी को बताया गया तो आरोपी फिर ऑनलाइन करने को कहा तो लड़की ने ₹10 ऑनलाइन कर दिए, जिसके कारण आरोपी को लड़के के खाते की डिटेल्स मिली। उसका फायदा लेकर आरोपी ने युवती के खाते से 3,10,000 रुपए उड़ाकर SBI वाड़ी ब्रांच खाता खाली कर दिया। कुछ ही देर में लड़के को 3 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे मैसेज आया था, जिसमें 90,000 रुपए का लोन लेने की जानकारी मिली। मेरे खाते में 90,000 जमा हुए व कुछ ही देर में विड्रॉल होने की जानकारी पल्लवी थूल ने पत्र परिषद में दी। पल्लवी ने एक निजी कंपनी में कार्यरत है, उनके पिता पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। गरीब परिवार से होने से 3,10,000 रुपए से धोखाधड़ी होने से कार्रवाई की गुहार लगा रही है। फिरियादी पल्लवी थूल के शिकायत पर वाड़ी पुलिस ने आरोपी कबीर चंद्रा व रमन राणा के खिलाफ वाड़ी पुलिस व साइबर क्राइम ने धारा 419-420 सहकलम 66 जानकारी तंत्र कानून के तहत मामला दर्ज किया। आगे की कार्रवाई वाड़ी पुलिस कर रही है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों को अब सरकार जनधन योजना के तहत ₹500 खाते पर जमा कर रही है, लेकिन ऑनलाइन चोर इसका फायदा उठाकर लोगों को जाली फोन कर बैंक के डिटेल्स मांग रहे हैं। ऐसे समय लोगों ने अपने बैंक डिटेल्स नहीं देना, सोच समझ कर व जांच कर बैंक से पूछताछ कर ही व्यवहार करने का आह्वान पीड़ित पल्लवी थूल ने पत्र परिषद में किया। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम, जिसके चलते मेरे अकाउंट में से 3,10,000 रुपये विदाउट माई परमिशन या फिर मेरे नॉलेज के खिलाफ वो निकाले गए हैं। तो इसमें ऐसे हुआ था कि 2 तारीख को मुझे एक इंसान से कॉल आया था, उन्होंने खुद का नाम कबीर चंद्रा ऐसे करके बताया। उन्होंने बताया कि उनको मेरा रिज्यूम मिला हुआ है, ही इज़ कॉलिंग फ्रॉम monster.com, और जिसके चलते उनको मेरा रिज्यूम मिला है और उन्होंने मेरे रिज्यूम के कुछ पॉइंट्स पढ़ के बताए, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, जेन्युइन पर्सन है। और उन्होंने मुझे उसके साथ में ही एक मेल भेज दिया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी से, कि आपका इंटरव्यू 4 तारीख को रहेगा एंड यू हैव टू अटेंड दैट इंटरव्यू। और उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि आपको मेल मिल गया क्या, तो आई सेड कि हाँ मुझे मिल गया है। तो बोले आपको इंटरव्यू देने के लिए एक रेफरेंस आईडी जनरेट करना होगा, जिसके लिए आपको मिनिमम ₹10 का ट्रांसैक्शन करना होता है। उन्होंने साथ में मुझे एक साइट मैसेज की विच इज़ www.monsterjobs.com करके, तो मैंने वो साइट ओपन की और उस पर मुझे कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी थी, जैसे नाम क्या है, डिटेल्स क्या है, वो सब डालनी थी। और उसके साथ में मुझे ₹10 का ट्रांसैक्शन करना था, जिसमें डेबिट कार्ड थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग या फिर वीज़ा के थ्रू किया जा सकता था।
तो मैंने उसमें से डेबिट कार्ड चुना। डेबिट कार्ड में मैंने जैसे ही उस पेज पर डिटेल डाली, वो पेज जो है वो वैनिश हो गया। इसका वो वाइट कलर का पेज आ गया और उसमें लिखा था कि पेज एरर फाउंड करके। तो मैंने उस इंसान को कॉल करके बताया कि आई ट्राइड बट ऐसा नहीं हो रहा, ना मुझे OTP आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, 10 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ, आप अपने एंड से करने की कोशिश कीजिए, जो भी है 10 रुपीज़ मैं आपको दे दूँगी, मेरे एंड से नहीं हो रहा है करके। तो ही सेड कि मैम ऐसा तो होना नहीं चाहिए, किसी भी एप्लीकेंट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आपके साथ क्यों हो रहा है, आप एक काम कीजिए, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए, सबका उन्हें सब सभी ने उसी के थ्रू किया है तो आपका भी उसी के साथ हो जाएगा। तो मैंने ठीक है, मैंने उसको बोला कि ठीक है एक बार इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स उस पेज पे डाली, दी सेम एरर वॉज फाउंड कि वाइट कलर पेज आ रहा था और मैं नहीं डाल पा रही थी। मैंने सेम उनको बताया कि अब मैं नहीं कर पा रही और मैं ना अब करूँगी, आपको जो भी करना है आप अपने एंड से कीजिए या फिर देखते हैं इंटरव्यू वगैरह के बाद। ही सेड कि ओके मैडम इंटरव्यू वगैरह के बाद कर देंगे करके। और इस केस में किसी भी केस में मुझे OTP या फिर वो सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने उनको बताया कि मेरे तरफ से 10 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये बात है 3rd of April की, जो नियर अबाउट 4 बजे उनका कॉल मुझे आया था। उसके बाद मैं ऑन डेटेड उसके दूसरे ही दिन 3 तारीख को मुझे उसका सुबह में 9:30 बजे मैसेज आया SBI से, विच इज़ ऑटो जनरेटेड मैसेज कि यूर 90,000 लोन हैज़ बी यू आर अप्लाइड फॉर द सेम। तो मुझे लगा कि मैंने तो ऐसा कोई अप्लाई नहीं किया, तो फिर मैंने तुरंत अपना फ़ोन पे बैलेंस चेक किया तो इट वाज 0 रुपीज़। मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, जबकि मेरे अकाउंट में उससे पहले 3,22,000 रुपीज़ थे। तो वैसे ही जैसे ही मैं चेक ही कर रही थी तो 2 मिनट में मुझे दूसरा मैसेज आ गया कि विच 90,000 जो आपने लोन के लिए अप्लाई किया था वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। तो मैंने वैसे ही मैं मेरे घर के पास मेरा SBI बैंक है जहाँ पे मेरा अकाउंट है, मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि आई गॉट दिस मैसेज और आप एक बार चेक कर लीजिए। तो दे सेड कि हाँ मेरे पास तो ये उन्होंने पहले तो बोला कि नहीं आपके पास साथ क्राइम हुआ है, आप साइबर कैफे चले जाओ। मैंने बोला कि आप चेक करो पहले क्या हुआ है, मैंने उनको बताया कि उन्होंने बोला कि हाँ 90,000 का कुछ आया है और आप अभी आपके पास में 0 बैलेंस है। मैंने उनको सारी मेरे अकाउंट्स बताए कि FDs के 2 अकाउंट हैं और लूज में कुछ पैसे थे, आप वो चेक कीजिए। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास 2 लाख की एक FD थी, तो उन्होंने 2 लाख का पूरा FD विड्रॉल कर लिया था। उसके बाद में मेरे पास एक 1 लाख की FD थी, उसमें से 1 लाख की FD वो टूट नहीं रही थी, तो वो इंसान ने 1 लाख के अगेंस्ट में 90%, मतलब कोई भी अमाउंट के अगेंस्ट में आप FD के अगेंस्ट में 90% लोन ले सकते हो, तो उन्होंने वो 90% रुपीज़ लोन लेके, मतलब 1 लाख का 90,000 रुपीज़ लेके वो हटा दिया। और उसके साथ में मेरे पास लूज में थे पैसे जो 20,000, तो वो उन्होंने निकाल दिए। ऐसे करके मेरा पूरा 3,10,000 का पूरा अकाउंट उन्होंने नील करवा दिया। ये बैंक ने बताने के बाद मैंने उनको बोला कि मैं आपको रिटर्न देती हूँ, बट दे सेड कि यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, आप साइबर क्राइम चले जाओ। तो फिर मैं साइबर क्राइम जो है सिविल लाइंस नागपुर में, मैं वहाँ पे गई, उनको सारी केस समझाई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके मुझे ये चीज़ बताई है कि जो उन्होंने पेज मुझे लॉगिन करने के लिए दिया था या फिर जो पेज पे मुझे 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने थे, विच इज़ फिशिंग साइट, जो साइबर वो फिशिंग साइट था जिसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, जो भी मैं डिटेल वहाँ डाल रही थी वो स्क्रीनिंग हो रही थी, जो भी मैंने डिटेल मेरा ID पासवर्ड या फिर डेबिट कार्ड के डिटेल जो भी डाले वो उस इंसान को वहाँ पे दिख रहे थे, जिसके चलते वो सारे नोट करके उन्होंने उसको लॉगिन कर लिया। और उसके बाद में एक SBI का SBI सिक्योर OTP करके ऐप है वो मेरे अकाउंट के साथ लिंक कर दिया, तो जिसकी वजह से जो भी वो बेनिफिशियरी मेरे अकाउंट में ऐड कर रहे थे या फिर मेरे अकाउंट में वो जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे उसका मुझे कोई भी OTPs या फिर मेल मुझे कुछ भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो सारी OTPs वो उस ऐप में जा रही थी। तो इसके चलते मुझे मेरे साथ ये हो रहा था। उस जिनके अकाउंट में वो पैसे गए हैं उस बंदे का नाम रमन राणा करके बताया जा रहा है, वो दिल्ली का कोई कृष्णा नगर का बैंक है रोहिणी ब्रांच करके, उन्होंने वहाँ से वो पैसे विड्रॉल किए हैं सेम डे, जो 10,000 रुपये उन्होंने बाहर के ATM से निकाले हैं और 2,85,000 उन्होंने चेक दे के सेल्फ विड्रॉल कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें मुझे साइबर क्राइम ने बताई है सेम डे, और उनका बैंक है ICICI बैंक, तो उन्होंने ऐसे करके ये सारे क्राइम को सेम डे में मतलब अंजाम दिया हुआ है। उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई और
वाड़ी के, उन्होंने बताया है कि खैर उन्होंने अभी दो दिन एक दो दिन पहले मेरी FIR लॉन्च रजिस्टर की है, बट ही सेड कि COVID-19 जो हमारे देश में अभी चल रहा है उसके चलते वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दिल्ली नहीं जा सकते ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल इश्यूज़, तो इसकी वजह से वो केस अभी भी पेंडिंग है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल पीपल जो मुझे देख रहे हैं कि ऐसा किसी भी चीज़ पर आप विश्वास मत कीजिए, या फिर किसी भी चीज़ को अगर आपको ट्रांजैक्शन, जस्ट बी अवेयर अगेंस्ट दी दैट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आप मतलब आपको पता भी नहीं चल पाता है और आपको हर कुछ भी झांसा दे के ये पैसे लिए जा सकते हैं। तो आप मतलब आप ये सब चीज़ें ना करें, कुछ करने से पहले एक दो बार सोच ले, खुद को टाइम दे वो करने के लिए। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी भी साथ ना हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। थैंक यू। इन BCN के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।